हेलो दोस्तों, क्लास विद एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉक्सो एक्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो अगर आप नहीं देखे आप उनको जाकर भी देख सकते हैं, इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। दोस्तों, हमारी जो भारत दंड संहिता है इसमें 1860 और 1973 में दंड प्रक्रिया संहिता के अधिनियम के बाद से क्या हुआ, इसमें कई संशोधन हुए हैं। ठीक है, इनमें से एक संशोधन जो आपका लेटेस्ट नंबर हुआ है जो हम पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है आपका द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये जो अमेंडमेंट हुआ था यह किसके एक्शन के बदले हुआ था, तो ये चीज़ आप सभी को भली भांति मालूम हुई कि जो एक घिनौना अपराध हुआ था हमारे भारत देश में दिल्ली राजधानी में, जिसका नाम है निर्भया गैंगरेप केस। ठीक है, तो यह बड़ा ही घिनौना अपराध था। तो पहले हम इसके बारे में देख लेते कि अपराध क्या था, और फिर इसमें इसके बाद जो हमारे भारतीय दंड संहिता में क्या चेंजेस किए गए थे उसको हम देखेंगे। तो देखिए, जो अपराध हुआ था आपका दिल्ली में हुआ था, 16 दिसंबर 2012 को आपका दिल्ली में हुआ था। ठीक है, एक महिला के साथ जो एक फिजियोथेरेपी इंटर्नशिप की छात्रा थी। ठीक है, जिनको पीटा गया था और उसके साथ सामूहिक रूप से बलात्कार भी किया गया था। तो क्या हुआ था, इसके परिणाम स्वरूप भारत और सिंगापुर में क्या हुआ था, इनका इलाज चल रहा था। इलाज कराने के बावजूद 13 दिन के बाद इनकी चोटों का मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसमें क्या बहुत ही अनैतिक तरीके से रेप किया गया था, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जिसकी वजह से क्या हुआ इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय कवरेज उत्पन्न किया था, और लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई के द्वारा इसकी निंदा भी की गई थी, जिन्होंने भारत सरकार और दिल्ली सरकार से क्या है आमूल सुधार करने, न्याय सुनिश्चित कराने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने का आह्वान किया था। महिलाओं के जीवन को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए मजबूत सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँचे। दिल्ली में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन करते हुए जहां हजारों प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों से झड़प हुई थी। ठीक है, इसी तरह से के विरोध प्रदर्शन पूरे देश में प्रमुख शहरों में हुए। ठीक है, यानी क्या हुआ, इस घटना के परिणाम स्वरूप भारत देश की दिल्ली राजधानी के अतिरिक्त और भी अलग अलग प्रदेश जगह पर प्लेसेस क्या हुआ था, प्रदर्शनकारी प्रदर्शन भी किए थे इस अपराध के खिलाफ। ठीक है, तो ये जो अपराध था ये आपको याद रखना, किसकी तारीख आपको याद रख सकते, इसकी तारीख आपकी है 16 दिसंबर 2012 के अपराध हुआ था, और दिल्ली में एक महिला जो कि फिजियोथेरेपिस्ट थी, ये आपको याद रख सकते हैं। और 13 दिन के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी चोटों के कारण। ठीक है, तो हम जो संशोधन पढ़ने वाले हैं यह संशोधन आपका 2012 में दिल्ली गैंगरेप केस के बाद हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का नतीजा था। इस घटना ने देश में मौजूदा बलात्कार कानूनों की अंतर्निहित खामियों को उजागर किया और तत्काल सुधार की मांग की, यानी कि इससे पहले जो कानून थे उसकी जो कमियां थी, लूप होल थे, इन सभी को उजागर किया गया और उसको चेंजेस किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जे एस वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो गठन किया गया समिति का, ये आपका जे एस वर्मा न्यायाधीश थे, इनकी अध्यक्षता में गठन किया गया था। इस समिति गठन का उद्देश्य अपराधों के खिलाफ मौजूदा कानूनों में संशोधन का सुझाव देने का उद्देश्य किया गया। ठीक है, यानी कि जो भी मौजूदा कानून थे उनमें क्या संशोधन किए जाने चाहिए, इसके उद्देश्य से जे एस वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया था। तो आपकी जो जस्टिस वर्मा समिति जो थी, इसके क्या उद्देश्य थे हम देख लेंगे। जस्टिस वर्मा समिति में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जे लीला सेठ और भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम भी शामिल थे। समिति ने जनता से आमतौर पर और विशेष रूप से प्रतिष्ठा न्यायविदों, कानूनी पेशेवर और गैर सरकारी संगठन जिसे एनजीओ बोलते हैं और अन्य महिला समूहों आदि सुझाव आमंत्रित किए। ठीक है, यानी कि इसमें जो एनजीओज होते हैं, महिला के जो ग्रुप्स होते हैं, महिला समूह होते हैं, कुछ कानूनी पेशेवर हमारे होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे न्यायविद होते हैं, सभी से कहे कि सुझाव आमंत्रित किया गया कि इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए। समिति का मूल उद्देश्य ऐसे संशोधन पेश करना था जो ये सुनिश्चित करेगा कि यौन अपराधों के लिए कम से कम समय में सबसे कठोर सजा दी जाए, यानी कि अभी जो कानून थे उसमें क्या होता था कि काफ़ी समय लग जाता था अपराधी को सज़ा मिलने में। ठीक है, तो इसमें एक प्रावधान किया गया कि अपराधों के लिए क्या कम से कम समय, यानी कम से कम समय में
कठोर सजा दी जाए। समिति ने बलात्कार आदि जैसे जघन्य अपराधों से निपटने में अपनाए गए घृणित सदियों पुराने धीमे दृष्टिकोण के लिए सरकार और न्याय प्रशासन में शामिल हितधारकों जैसे पुलिस और जांच एजेंसियां आदि की साहसपूर्वक आलोचना भी की थी। बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाते हुए समिति ने बलात्कार, यौन उत्पीड़न, तस्करी, बाल शोषण आदि से संबंधित कानून में बदलाव किए थे। न केवल मूल कानून में बदलाव किए गए बल्कि प्रक्रिया में भी बदलाव किए गए। ठीक है, जो प्रोसीजर अपनाई जाती थी अपराध होने के बाद पनिशमेंट देने के लिए, सजा डलवाने के लिए, इसमें भी चेंजेस किए गए जिन्हें अपनाया जाता है। ठीक, वही चीज़ें इन मामलों की जांच या सुनवाई जिससे उसका शीघ्र निपटान सुनिश्चित हो सके। इनमें से कुछ सिफारिशों पर विचार किया गया, उन्हें आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में शामिल किया गया। ठीक है, जो भी चेंजेस किए गए उनको 2013 आपराधिक कानून संशोधन के नाम से संशोधन किया गया। यह अधिनियम जो आपका 19 मार्च 2013 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया और 21 मार्च 2013 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपको तारीख याद रखनी है कि ये जो अधिनियम आपका 19 मार्च 2013 को क्या हुआ था, लोकसभा में, ठीक है, पारित किया गया था और 21 मार्च 2013 को राज्यसभा में आपको पारित किया गया था। ठीक है, और पारित किया गया और अंततः इसे तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, ठीक है, राष्ट्रपति जी का नाम याद रखना, कुछ टाइम पर जो राष्ट्रपति थे वो हमारे प्रणब मुखर्जी जी थे। ठीक है, इनके द्वारा क्या दिल्ली में घटित निर्भया बलात्कार मामले के बाद हुए भारी विरोध प्रदर्शन और आंदोलन के चलते प्रवर्तित किया गया था। अब आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 जो था इसके द्वारा पेश किए गए परिवर्तन, तो देखिए इस संशोधन के द्वारा पेश किए गए परिवर्तन भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में इस परिवर्तनों पर नीचे चर्चा की गई, जिसमें क्या क्या चेंजेस किए गए। इसमें क्या तीन प्रकार के कानून होते हैं, हमारे कानून थे पहले भारतीय दंड संहिता 1860, 1973, 1872। ठीक है, तो इनमें क्या चेंजेस किए गए हैं, इनमें चेंजेस किए गए थे, तो इनको हम नीचे देखते हैं। पहला आपको भारतीय दंड संहिता 1860, ठीक, तो एक नया प्रावधान धारा 166 ए इसमें जोड़ा गया था। ठीक, कौन सा धारा 166 ए जोड़ा गया था, जिसमें लोक सेवक के लिए महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराधों में FIR दर्ज करने से इंकार करना अपराध बन गया। यानी क्या होता है कि लोक सेवक होते हैं, यानी कि जो सरकारी नौकरी में होते हैं, यदि वो किसी महिला से अपराध करते हैं तो ऐसे मामले में क्या होता था, कभी कभी क्या है कि सरकारी अफसर होने के कारण उनके खिलाफ FIR दर्ज करने से कुछ लोग इंकार करते थे, पुलिस अधिकारी। ठीक है, तो इसे भी एक अपराध माना गया, जिसमें बलात्कार भी आपका शामिल था। अगला है बलात्कार की पीड़िताओं के निःशुल्क इलाज से इंकार करने को अस्पताल, यानी कि बलात्कार की पीड़िता थी, इनका निःशुल्क इलाज करने से कुछ अस्पताल हॉस्पिटल्स होते हैं, यदि वो मना करते हैं, ठीक है, तो उस अस्पताल के प्रभारी के खिलाफ दंडनीय अपराध बना दिया गया। ठीक है, यानी कोई हॉस्पिटल्स पीड़ित महिलाओं का निःशुल्क इलाज करने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, इसे धारा 166B के तहत जोड़ा गया है। बलात्कार शब्द की वैधानिक परिभाषा, जैसा कि धारा 375 के तहत दी गई है, का विस्तार उन कृत्यों को भी शामिल किया गया है था जो पूरी तरह से यौन प्रकृति के नहीं थे। ठीक है, यानी कुछ ऐसे बलात्कार होते हैं जो यौन प्रकृति यानी नेचुरल नहीं होते, इन नेचुरल होते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया था। इसमें कुछ आपके कार्य शामिल थे, कुछ इन नेचुरल अननेचुरल टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है, जैसे कि किसी पुरुष के द्वारा अपने लिंग उसके शरीर के किसी भी हिस्से, यानी कोई पुरुष से अपना लिंग महिला के किसी शरीर के हिस्से, शरीर के किसी भी हिस्से या किसी वस्तु, ठीक है, या फिर अपने लिंग को उस महिला के शरीर के हिस्से में या फिर किसी और वस्तु को, किसी महिला की योनि, उसके मुंह, उसके मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश करना, या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करना, ठीक है, इसे भी शामिल किया गया एक अपराध की श्रेणी में। नेक्स्ट हमारे किसी महिला के शरीर के किसी भी हिस्से छेड़छाड़ करना, ठीक है, ताकि किसी महिला की योनि, मूत्र मार्ग या गोदाम प्रवेश किया जा सके, ठीक है, या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाए, इसे भी अपराध माना गया। किसी महिला की योनि, गोदा या मूत्र मार्ग पर अपना मुंह लगाना, ठीक है, यानी कोई व्यक्ति है किसी महिला की योनि, गोदा या मूत्र मार्ग पर यदि अपना मुंह लगाता है
या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है तो वह भी अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट है आईपीसी के प्रयोजन के लिए सहमति की आयु 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, यानी कि आईपीसी के धारा के अनुसार इसमें पहले 16 वर्ष की एज से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया सहमति के लिए। ठीक है, 18 वर्ष से यदि कोई कम की महिला है तो उसकी, यदि उजारा की महिला है तो उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उससे कम की है तो सहमति जरूरी है। ठीक है, यह प्रावधान वैधानिक रूप से निर्धारित न्यूनतम सजा के कम सजा देने में अदालत के विवेक पर प्रयोग करने की अनुमति देता है। ठीक है, यानी कि कितनी सजा मिलनी चाहिए ये अदालत के विवेक पर डिपेंड करता है। यौन अपराधों के गंभीर रूपों को अलग अलग प्रावधानों के माध्यम से संहिता में शामिल किया गया। ठीक है, इसमें कुछ इस प्रकार से हैं, देखिए जैसे कि सामूहिक बलात्कार जो होता है इसको धारा 376(d) के तहत एक अलग दंडनीय अपराध बनाया गया। ठीक है, यानी कि सामूहिक बलात्कार जिसमें कि मैक्सिमम बोल सकते हैं मोर देन वन, ठीक है, एक से अधिक यदि व्यक्ति के द्वारा अपराध किया जाता है, बलात्कार किया जाता है तो उसे हम सामूहिक बलात्कार बोलेंगे। जैसे हम जिससे क्या है कि इस चेंजेस के बाद धारा 376(d) के तहत एक अलग अपराध की श्रेणी में जोड़ा गया है। धारा 376(a) उन अपराधों के लिए पेश किया गया था जहां बलात्कार के परिणाम स्वरूप पीड़ित को लगातार नुकसान हुआ हो, ऐसे अपराधों के लिए मृत्युदंड को निर्धारित सजा बना दिया गया। ठीक है, तो अब ऐसी कोई अपराध करने पर मृत्युदंड के प्रावधान किया गया है और बार बार अपराध करने वाले व्यक्तियों के लिए 376(e) जोड़कर कड़ी सजा निर्धारित की गई है। धारा 376(c) का विस्तार उन कृत्यों को भी शामिल करने के लिए किया गया था जब एक महिला को आरोपी द्वारा अधिकार के दुरुपयोग के भरोसेमंद रिश्ते के बहाने यौन संबंध बनाने के लिए बहकाया गया था। न्यायिक प्राधिकरण के दौरान पति के द्वारा अनैच्छिक संभोग के लिए सजा को बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया और न्यूनतम सजा 2 साल कर दी गई। ठीक, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ यदि कोई व्यक्ति पति पत्नी है, ठीक, पति यदि अपनी पत्नी की सुरक्षा के बिना यदि उससे संभोग करता है तो उसे भी एक सज़ा माना जाएगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में उसे मिनिमम 2 साल की सज़ा और मैक्सिमम उसे 7 साल की सज़ा मिल सकती है। ठीक है, अनैच्छिक संभोग बनाने के लिए। नेक्स्ट, एसिड हमले का विरोध करते समय हमलावर की मृत्यु का कारण पहचाना गया और धारा 100(7) के तहत आत्मरक्षा के वैध आधार के रूप में जोड़ा गया। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति किसी महिला के ऊपर मान लो कि एसिड अटैक करता है तो आत्मरक्षा के फलस्वरूप यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, मान लो कि महिला ने उसका विरोध किया और उसकी मृत्यु हो गई किसी वजह से, तो उसे आत्मरक्षा के वैध आधार के रूप में जोड़ा गया है। अब नेक्स्ट हमारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में क्या चेंजेस किए गए, देखिए धारा 154(1) के तहत एक विशेष प्रावधान जोड़ने सीवन अपराध आईपीसी की धारा 354, आईपीसी धारा 376 आदि के तहत की जानकारी एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज करना अनिवार्य होगा। ठीक है, यानी कि बलात्कार से संबंधित कोई भी जानकारी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन एक महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा दर्ज करना अनिवार्य है। उसी प्रावधान के तहत जैसा कि ऊपर बताया गया है यदि पीड़िता जो होती है अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक रूप से अक्षम होती है, ठीक है, यानी कि मानसिक रूप से थोड़ी सी हो सकता है कि अक्षम हो, तो बयान उसके निवास पर दर्ज किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी तो उसके जो बयान होगा उसके निवास जहां वह रहती है वह दर्ज किया जाना चाहिए जहां भी आवश्यक हो। ऐसी जानकारी की रिकॉर्डिंग के समय एक विशेष शिक्षक या द्विभाषिया उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, और यदि आवश्यक हो, ठीक है, यानी महिला की यदि लैंग्वेज भाषा समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर एक ट्रांसलेटर जिसे हम दुभाषिया बोलते हैं उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, और धारा 197(1) के तहत यौन अपराधों के उन मामलों की सुनवाई के लिए उपयुक्त सरकार से विशेष मंजूरी अनिवार्य थी जो लोक सेवक द्वारा आपके अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए थे। CRPC की धारा 309 में यह शामिल करने के लिए संशोधन किया गया कि यौन अपराधों की जाँच सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए। ठीक है, 2 मंथ के पहले अंदर ही आपको सारी कार्रवाई पूरी हो जानी चाहिए। ऐसा ही सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि इन मामलों को यथासंभव शीघ्र निपटाया जा सके। ठीक है, जिससे कि जो बलात्कार से संबंधित पीड़ित मामले होते हैं इनको समय से पूर्व, मतलब समय के अंदर इनको इनका निपटारा किया जा सके। और धारा 357(c) जोड़ी गई जिसके तहत सभी अस्पतालों को, चाहे वह सरकारी हो या निजी, बलात्कार की पीड़ितों को मुफ्त इलाज करने का
प्रदान करना अनिवार्य हो गया। ठीक है, यानी कि चाहे कोई भी हॉस्पिटल, चाहे आपको प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उनको नेशनल क्लास करना अनिवार्य कर दिया गया था। लास्ट हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 1853 जोड़ी गई थी, ठीक है, और इसने बुरे चरित्र या पिछले यौन अनुभव के साक्ष्य को बिल्कुल अप्रासंगिक बना दिया गया है। जब भी सहमति का सवाल आता है और यदि कोई महिला अदालत के समक्ष अपने साक्ष्य में बात कहती है, तो अदालत यह मान लेगी कि महिला की ओर से सहमति का अभाव, ठीक है, महिला ने सहमति नहीं दी है। यह पुरानी धारा 144A को प्रतिस्थापित करके किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये था आपको कुछ भारतीय दंड संहिता में जो आपका अमेंडमेंट हुआ है 2013 में, इसके कुछ प्रावधान थे, क्या चेंजेस किए गए, सारी चीज़ हमें देखें। तो आज का टॉपिक हमारे यहाँ पे एंड होता है। बाकी इससे पहले एक वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप उनको जाकर भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।